क्या आपको पता है आईफोन में जो डायमंड का प्राइस होता है वो ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये इंडियन सर्वर का ये आईडी है। एंड गाइस बस यहाँ पे आईफोन डिवाइस है इसके पास। एंड यहाँ पे गाइस डायमंड का प्राइस आप लोग देखो, जो हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में 80 रुपए का डायमंड मिलता है, वहां पे गाइस ये 89 रुपीज है, ठीक है। एंड जो एंड्रॉइड डिवाइस में 250 रुपीज का मिलता है हमें, वही गाइस आईफोन डिवाइस में 269 रुपीज का होता है। एंड वहीं पे अगर आप लोग जो 4000 रुपीज का मिलता है हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में, वो गाइस उधर मिलता है मतलब 4500, मतलब भाई 500 रुपए ज्यादा गाइस, समझ रहे हो, मतलब इतना ज्यादा क्यों? तो क्या है इसके पीछे का मिस्टीरियस रीजन है, क्यों आईफोन डिवाइस में इतना ज्यादा डायमंड का प्राइस है? मतलब एक ही सर्वर का होके यहाँ पे गाइस आईफोन में डायमंड का प्राइस हाई है एंड एंड्रॉइड में नॉर्मल है, ऐसा क्यों? तो जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप लोगों ने कभी भी नहीं सुना होगा। एंड हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि गाइस हम लोग 1.5 मिलियन फैमिली के काफी ज्यादा करीब है। तो यार जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर देना भाई लोग। एंड हाँ, हम इंस्टाग्राम पे भी है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फैक्ट नंबर 7, अभी जो गाइस मैं आप लोगों को फैक्ट बताने जा रहा हूँ, इसे देखने के बाद आप अपने आंखों पर भरोसा नहीं करोगे, मतलब लिटरली आप लोग बोलोगे कि भाई ऐसा भी होता है क्या? तो आपको करना कुछ नहीं है गाइस, बस अपना फ्रेंड का यूआईडी को कॉपी करना है एंड उसके बाद आपको सर्च में जाना है, ठीक है। सर्च में जाने के बाद आप लोग गाइस उस यूआईडी को डालोगे एंड उससे पहले गाइस आप लोगों को कुछ जीरो ऐड करना है, मतलब 5 जीरो या फिर गाइस जितने भी जीरो आप ऐड कर सको उतने जीरो आप लोगों को ऐड कर देना है। तो मैं सर्च किया इस आईडी को एंड यहां पे सेम ही आईडी निकला जो मैंने जहां से कॉपी किया था। तो इसका मतलब समझेगा इस क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि गरीना जो है आगे से पहले, मतलब आप लोग जो भी यूआईडी डालते हैं उसके पहले जो भी जीरो लगाते हैं उसको काउंट ही नहीं करता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक सीन है, अगर आप लोग खुद का यूआईडी सर्च करोगे, मतलब खुद का यूआईडी में उससे पहले जीरो लगाओगे तो नहीं आएगा, बट अगर आप लोग अपने दोस्तों का सर्च करोगे देन आएगा, ठीक है। खुद के से ये गाइस, मतलब खुद से ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप लोग दूसरे यूआईडी पे सर्च करोगे तो हाँ, जितने भी जीरो लगा उससे पहले वही आईडी आएगा जहां से आप लोग यूआईडी कॉपी किए थे। तो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो यार गाइस इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। तो आते हैं मैंने फैक्ट नंबर 6 के ऊपर। फ्री फायर में गाइस आप लोगों को पता होगा, अगर आप एक्सपेंशन पैक डाउनलोड नहीं किए हो तो आपका कुछ भी गाइस कलेक्शन दिखेगा ही नहीं आपको, ठीक है। मतलब गाइस अगर आपके पास कलेक्शन पैक डाउनलोड नहीं है एंड आप कोई भी ड्रेस को इक्विप करते हो या कुछ भी कलेक्शन को इक्विप करते हो वो आपको नहीं दिखेगा, बट सामने वालों को वो दिखेगा, ठीक है, क्योंकि उनका तो एक्सपेंशन पैक डाउनलोड है ना, बस आपको ही नहीं दिखेगा। एंड यहाँ पे गाइस एक और बहुत ज्यादा मिस्ट्रेस फैक्ट ये है कि गाइस कोई भी ड्रेस हो, मतलब आपके पास कोई भी वर्ल्ड में कलेक्शन हो, अगर आपने एक्सपेंशन पैक डाउनलोड नहीं किया तो आपको नहीं दिखेगा। बट यहाँ पे एक चीज आपको दिखेगा, अगर आपके पास एक्सपेंशन पैक गाइस डाउनलोड नहीं भी है तभी भी वो चीज दिखेगा, एंड वो है गाइस ग्लूअल का स्किन। जी हाँ, अगर आपके पास ग्लूअल का स्किन है एंड आपने उसके लिए एक्सपेंशन पैक डाउनलोड नहीं भी किया हो तभी भी आप लोगों को ग्लूअल का स्किन दिखेगा, एंड ये बहुत आपको भी दिखेगा एंड सामने वालों को भी दिखेगा। बट जो आपका ड्रेस होता है वो सिर्फ आप लोगों को नहीं दिखेगा बट सामने वालों को दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज जो एक्सपेंशन पैक का फंडा होता है ये ग्लूअल पर लागू नहीं होता है। एंड क्या आप लोगों को इसके बारे में पता था, ये मेरे को बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। फैक्ट नंबर 5, आप लोगों को पता होगा गाइस फ्री फायर में रिसेंटली आप लोगों को यूजी गन का स्किन आया था, ठीक है, जो कि गोल्ड में मिल रहा था, आप लोगों को याद होगा, एंड बहुत सारे बंदे निकाल भी लिए थे गोल्ड में। बट अभी अगर आप लोग स्टोर में जाके चेक करोगे तो वो गोल्ड में नहीं है, ठीक है, वो डायमंड में कर दिया उसको, 25 डायमंड में कर दिया। एंड अभी जो कोड का स्किन आया वो भी डायमंड में ही कर दिया, नहीं तो गाइस ये भी गोल्ड में ही आता। तो क्या आपको ये पता है कि गाइस गोल्ड से डायमंड क्यों कर दिया है इसको, ठीक है, मतलब ये तो पहले गोल्ड में आया था फिर उसके बाद इसको डायमंड क्यों कर दिया? तो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये इसीलिए डायमंड कर दिया क्योंकि गरीना वालों को एक सिंगल प्रॉफिट नहीं हो रहा था इस गन से, ठीक है। जो ये गन का स्किन आया था ना, बंदे हर एक बंदा गाइस गोल्ड से इसको निकाल लिया था, एक सिंगल बंदा भी गाइस इसको डायमंड देके नहीं निकाला। तो गाइस क्या आपने निकाला इसे गोल्ड से या फिर अभी आप लोग गाइस डायमंड से निकालने वाले हो, ये मेरे को बताना नीचे कमेंट सेक्शन। भाई लोग आप लोगों से हेल्प चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पहला लिंक दिखेगा एक गाइस बंदे का जो कि एक बहुत ही अंडररेटेड बंदा है, ठीक है, मतलब उसका गेम प्ले नेक्स्ट लेवल है, बस गाइस वो सपोर्ट नहीं मिलता उसको, ठीक है। तो वो गाइस डिमोटिवेट हो गया है, मतलब यार आप लोग गाइस जाना एंड स्वयं आर्मी की ताकत दिखा देना, ठीक है, क्योंकि गाइस उसको हेल्प चाहिए तो हम ही हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया होगा, तो जाना है गाइस, हर एक बंदा उसको सब्सक्राइब कर देना एंड सपोर्ट कर देना, उसके गेम प्ले गाइस आप लोग फैन हो जाओगे, बहुत ही खतरनाक खेलता है लिटरली। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद गाइस जाना एंड स्वयं आर्मी की ताकत दिखा देना भाई लोग। आ जाते हैं हमारे टॉप 4 नंबर मिस्टीरियस फैक्ट के ऊपर। एंड ये फैक्ट है गाइस उकुंग कैरेक्टर को लेकर। उकुंग कैरेक्टर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि आप लोग गाइस कोई भी अगर उसको बाल पहनाते हो, ठीक है, तो वो नहीं पहनेगा, आप लोगों को पता होगा ये फैक्ट, ठीक है। एंड गाइस नहीं पता तो जान लो कि अगर आप लोग उकुंग कैरेक्टर को कोई भी बाल पहनाओगे या फिर कोई भी आप लोग मतलब ऐसे पहनाओगे मुखुटा वगैरह, तो वो नहीं पहनेगा, ठीक है, जो उसका मेन होता है, मेन सर होता है वही रहेगा एंड उसका कोई भी हेयर वगैरह चेंज नहीं होगा। बट इसे करने के लिए आप लोगों को एक बहुत ही खतरनाक वाला टेक्निक यूज करना होगा,
एंड ये है कि आप लोगों को पहले तो उसका मास्क लगाना होगा, ठीक है। मतलब आप लोगों को गाइस पता होगा रुमाल वगैरह कुछ होते हैं फ्री फायर में, ठीक है, कलेक्शन में रुमाल होता है, तो पहले आप लोग कोई सा भी रुमाल लगाना होगा, ठीक है। रुमाल लगाने के बाद आप लोग अगर कोई भी हेयर पहनाना चाहते हो उकुंग कैरेक्टर को, तभी वो पहनेगा हेयर। एंड अगर आप लोग डायरेक्टली हेयर पहनाने चाहते हो देन वो नहीं पहनेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना हमेशा उकुंग कैरेक्टर को, अगर आप लोग चाहते हो कि उकुंग को कोई भी हेयर पहनाना, देन गाइस आप लोग कोई भी मतलब रुमाल वगैरह पहनना पड़ेगा, मतलब स्कार्फ वगैरह कोई भी स्कार्फ पहनना पड़ेगा। जैसे कि गाइस इधर मैंने स्कार्फ पहना, तभी जाके गाइस ये उकुंग कैरेक्टर अपना हेयर चेंज किया, नहीं तो गाइस इससे पहले इसने अपना हेयर का मतलब हेयर चेंज ही नहीं किया था, ठीक है। एंड आई एम डैम श्योर गाइस आपको इसके बारे में बिल्कुल भी पहले से पता नहीं होगा। फैक्ट नंबर 3, अगर आप लोग गाइस किसी और सर्वर के बंदे का UID सर्च करना चाहते हो तो वो सर्च तो होगा, बट वो आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप इंस्पेक्ट करके उसका प्रोफाइल वगैरह स्टैटिक वगैरह नहीं देख सकते, ठीक है। क्योंकि गाइस अगर आप लोग अदर सर्वर का UID सर्च करते हो, मतलब मान के चलो अगर आप इंडियन सर्वर में अभी खेल रहे हो एंड आप चाहते हो कि आप इंडोनेशिया सर्वर का ID सर्च करो, बट वो गाइस सर्च तो हो जाएगा लेकिन आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते उसको, ठीक है, वो ओपन ही नहीं होगा। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि गाइस गरीने वालों ने इसको चेंज कर दिया, पहले होता था बट अभी नहीं होता। एंड अगर आप लोग गाइस किसी और सर्वर का आईडी को सर्च करना चाहते हो देन उनके सर्वर में जाकर ही सर्च करना होगा, तभी वो ओपन होगा, ठीक है। तो ऐसा सीन है, एंड किसी भी सर्वर का नहीं होता, बट फ्री फायर में एक ऐसा सर्वर है जहाँ पे आप गाइस दूसरे सर्वर से भी सर्च करोगे तो उस सर्वर का UIDs ओपन होगा। एंड वो रिसेंटली नया सर्वर बना है, वो है बांग्लादेश सर्वर। जी हाँ गाइस, हमारे इंडियन सर्वर से अगर आप लोग गाइस किसी भी बांग्लादेश प्लेयर का UID सर्च करोगे देन वो सर्च में भी आएगा एंड आप उसको ओपन करके भी देख सकते हो उसका एनालिटिक्स वगैरह, ठीक है, सब कुछ मतलब देख सकते हो, बिल्कुल जैसे हम इंडियन सर्वर के UIDs वगैरह को इंस्पेक्ट करके देखते हैं ना, वैसे ही आप लोग देख सकते हो। एंड वो सिर्फ गाइस एक ही सर्वर के साथ होता है, ठीक है, वो है बांग्लादेश सर्वर। एंड कोई भी सर्वर के साथ ऐसा नहीं होता, अगर आप लोग कोई भी सर्वर का UID सर्च करते हो देन वो नहीं आएगा सिवाय बांग्लादेश सर्वर का। फैक्ट नंबर 2, हम में से गाइस बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं कि जो सीटा हेडशॉट ग्लिच था ना वो चला गया, मतलब गरीना ने उसको रिमूव कर दिया, एंड वाकई में गाइस ऐसा ही हुआ था, बट इसके कारण एक चीज फ्री फायर प्लेयर्स के साथ बहुत गलत हुआ है एंड जिसके बारे में आप लोगों को पता भी नहीं होगा। एंड वो ये है कि गाइस जब से सीटा हेडशॉट हटा है ना, तब से अगर आप गाइस अपना रिकॉल कंट्रोल करने के लिए क्राउच का बटन भी यूज करके वापस जैसे ही उठते हो तो आपका गाइस हेड ही नहीं लगेगा, मतलब आपका एम तो हेड में ही है लेकिन गाइस आप अगर क्राउच करके फायर करते हो, ठीक है, आपका एम हेड पर ही रहेगा लेकिन 2-3 गोली बॉडी में लगेगा देन उसके बाद ही हेड लगेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बंदा ऐसे हेड पे मर रहा है लग रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे इसने क्राउच किया एंड क्राउच करके फायर किया एंड इसका जो कि गाइस एम है वो हेड पे ही है लेकिन गाइस यहाँ पे हेड लगा ही नहीं, ठीक है, 2-3 गोली बॉडी में लगा फिर उसके बाद ही हेड लगा, तो समझ रहे हो बात को। फाइनली आते हैं मैं टॉप 1 नंबर मिस्ट्रियस फैक्ट के ऊपर, एंड ये है कि गाइस आईफोन डिवाइसेस में डायमंड का प्राइस इतना ज्यादा हाई क्यों है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड डिवाइस, ठीक है, मतलब एक ही सर्वर है, ठीक है, एक ही सर्वर में अलग अलग डिवाइस में अलग अलग प्राइस, भाई मतलब ये तो कतई बवाल चीज है, मतलब ठीक है आप लोग सोच रहे भाई ये क्या सीन है, मतलब इसके पीछे का क्या मिस्ट्रियस रीजन हो सकता है कि आईफोन डिवाइस में गाइस डायमंड का प्राइस हाई होता है एंड्रॉइड डिवाइस में मतलब नॉर्मली होता है जैसे होता है, ठीक है, इंडियन सर्वर का, बट यहाँ पे आईफोन डिवाइस में इतना ज्यादा हाई प्राइस क्यों है आखिरकार। तो इसका मेन रीजन ये है कि गाइस जो हम ऐप वगैरह जो भी गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं ना एंड्रॉइड डिवाइस में तो वो डाउनलोड होता है प्ले स्टोर से, ठीक है, प्ले स्टोर में आप लोगों को सारे गेम्स ऐप सब कुछ मिल जाएगा। एंड क्या आपको पता है प्ले स्टोर फ्री होता है, प्ले स्टोर आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं करता, ठीक है, वो फ्री होता है एंड्रॉइड डिवाइस के लिए। बट वहीं पे अगर आप लोग आईफोन डिवाइस की बात करोगे तो आईफोन डिवाइस में प्ले स्टोर नहीं होता, आईफोन डिवाइस में होता है ऐप स्टोर, ठीक है, उनका ऑफिशियली मतलब ये एप्पल का ही होता है, बस एप्पल में ऐप स्टोर होता है, उसमें प्ले स्टोर नहीं होता। बट यहाँ पे आईफोन डिवाइस में अलग ही सीन है, यहाँ पे ये होता है कि जो एप्पल मतलब प्रोवाइड करता है उनका ऐप स्टोर, ठीक है, उसके लिए एप्पल चार्ज भी करता है, वो ऐप स्टोर फ्री नहीं होता, ठीक है, मतलब कोई भी अगर आप लोग इन गेम परचेस करते हो, ऐप तो आप लोग डाउनलोड कर लोगे फ्री में वो तो हो है, ठीक है, लेकिन गाइस आप लोग अगर उसमें कोई भी चीजें परचेस करते हो तो उसके लिए आप लोग को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है 12-13%। मतलब गाइस इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को समझाऊं कि जो प्ले स्टोर हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में होता है उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता अगर आप लोग इन्हें परचेस करते हो तभी भी, बट जो एप्पल में ऐप स्टोर होता है उसमें गाइस अगर आप लोग इन गेम कुछ परचेस करते हो तो उसके लिए गाइस जो आपको एप्पल ने ऐप स्टोर दिया है उसके लिए पैसा देना पड़ता है, मतलब गाइस वो एक तरीके से टैक्स ही हो। एंड आई थिंक आप लोगों को अभी पूरा समझ आ गया होगा कि एक्चुअली में मैं कहना क्या चाहता हूं। तो इसी वजह से आईफोन डिवाइस में आप लोगों को डायमंड का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिलता है क्योंकि गाइस एप्पल कंपनी 12-13% चार्ज करता है ऐप स्टोर के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो में कुछ नया जानने के लिए मिला हो। एंड गाइस प्लीज अगर आप लोगों को कुछ नया जानने के लिए मिला हो तो शेयर कर देना अपने एक दोस्त के साथ, भाई लोग आप लोग शेयर नहीं कर रहे वीडियो को, हमारा व्यूज नहीं
नहीं आ रहा बहुत दिन से, मतलब चैनल डाउन भी चल रहा है, ठीक है। तो यार आप लोग शेयर कर दिया करो भाई लोग, क्योंकि मतलब जो भी गाइस हमारा रीच होता है वो बने रहे, ठीक है। गाइस देख रहे हो आप लोग, मतलब रीच अभी बहुत खत्म सा हो रहा है, तो यार आप लोग ही हेल्प कर सकते हो। तो भाई मैं इतना नहीं कहता, बट हाँ गाइस शेयर कर देना वीडियो को एक दोस्त के साथ ताकि हेल्प हो जाए हमारी, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आप लोग से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।